press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा, और उनके साथ होंगे चाइना से उनको ज्वाइन करते हुए सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये बात कि केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया और केजरीवाल उसके बाद दोबारा जीत गया, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्या हो गया, पूरी दिल्ली को 2 करोड़ लोगों को नशा दे दिया है। चलिए वो दिल्ली वाले, आप तो दिल्ली वाले हैं नहीं, आप तो नोएडा में रहते हैं, तो आपको इसका बारे में पता नहीं होगा। आप चाइना में बैठ के ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मैं बॉर्डर नोएडा में बैठ के खराब बता रहा हूँ। सर आप तो इंडिया में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर शो करते हैं, तो आपको पाकिस्तान के बारे में इतना कैसे पता है? अब इसके ऊपर बात करेंगे तो ऐसा कोई बात हो नहीं सकती है। आप दोनों लड़िए नहीं, मगर आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी, ये बात की गारंटी मैं डेफिनेटली है, मैं भी बोल रहा हूँ, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मोदी जी ही आएंगे। मेरी जितने भी वीडियोस हैं या कहीं पे भी ये बोल दो, ये बता दो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नेक्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले, ऐसा मैंने बोला। मैंने ये बोला यस ही इज कमिंग बैक, लेकिन विल ही टेस्ट 272 और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि बीजेपी आ रही है, 300 पार कर रही है, ये नहीं गारंटी से, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, बीजेपी इज कमिंग बैक, बीजेपी इज कमिंग बैक, लेकिन मेजोरिटी हो ना हो, एनडीए को मेजोरिटी मिल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए दो दिन रह गए हैं आरजू जी, विल कम टू नो, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आएंगे तो मोदी जी ही। लेकिन मुझे अब आप लोग ये बताइए, हम थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे यहाँ भी आइए, हम भी चाय वाय पिलाएंगे आपको। तो हमारे यहाँ से जी कहा गया कि कश्मीर जो है फॉरेन टेरिटरी है, ये कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये बात हुई, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये बात, जो खैर उस पर बहुत लोग एतराज कर रहे हैं पाकिस्तान से कि गलत कहा गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इस स्टेटमेंट को कैसे देखता है? हम तो बिल्कुल देखते नहीं है, वी डोंट टेक पाकिस्तान एनीवेज वेरी सीरियसली, और वहां की स्टेटमेंट को तो वैसे ही हम सीरियसली लेते नहीं है। दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट हमें ये समझ आना शुरू हो गया है कि आपको समझ आनी शुरू हो गई है कि गलती कहां पर है। अब आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हम कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते, ये स्यापे को अपने गले में नहीं डालते, तो आज शायद आप भी शायद कुछ सुख सुख शांति से रह रहे होते, कुछ खाना पीना सत्ते में मिल रहा होता आपको। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कई लोगों को अकल आनी शुरू हो गई है कि इस स्यापे को छोड़ देते हैं, पीओके वाले वैसे भी भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो क्यों ना इसे बोल दिया जाए कि यार ये फॉरेन टेरिटरी है। अब इससे जो कश्मीरी हैं पीओके वाले, वो बड़ा खुश हुए होंगे कि आज हमें 75 साल के बाद हमें समझ आई है कि भाई ये तो हमें बेवकूफ बना रहे थे, आज तक तो यही बोलते रहे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज हमें फॉरनर बना दिया, कल को बलूचिस्तान को बना देंगे। और आपको मालूम है कि जो खैबर वाले लोग हैं वो तो वैसे भी कई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं वहां के, जो चाय पीते रहते हैं तालिबान वालों के साथ जाकर, वो भी अलग होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कि अब एक एक करके पाकिस्तान बोलना शुरू कर देगा, जिसने जहां जाना जाओ, हमने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, आप अपनी देखो हम अपनी देखते हैं। अब उसका रीजन क्या है भाई? ना रहेगा पाकिस्तान, ना किसी को पैसे दे वापस करने पड़ेंगे। आप सोच रहे हो अर्जुन जी, आपने एग्रीमेंट करे एज पाकिस्तान, इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो जो आपने इतने पैसे दुनिया भर से उठाए हुए हैं देने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला है आपकी कंट्री ने, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, पाकिस्तान तो खैर रहेगा, इसलिए कि हमें आप लोगों के साथ छेड़खानी तो करते रहनी है ना, लेकिन रोहित आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं कश्मीर के? मोदी को 10 साल और प्राइम मिनिस्टर बना दो, इस्लामाबाद भी फॉरेन टेरिटरी बन जाएगा, आप चिंता मत करो। ये क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहूंगा कि कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान दोनों के दोनों अब अपने आप को इंडिया से एसोसिएट कर रहे हैं। हमारे सामने वीडियोज हैं, मैं अगर कहीं बोलूं कि मैं गलत बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियोस आपके सामने मेरे सामने, जहां पे गिलगित बाल्टिस्तान में लोग बोल रहे थे कि रास्ता खोलो हमें तो इंडिया जाना। और अगर ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात हुई, आपने देखा होगा हामिद मीर साहब का क्लिप भी लगा हुआ है, साथ मजारी ने भी बात की है, दोनों यही कह रहे हैं कि फिर फौज किस लिए लगा रखी है, पाकिस्तान ने फौज भी लगाई है, वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, उसके बाद उठकर ये कहना मेरी फॉरेन टेरिटरी है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस बात को हल्के में लेगा। आपके एक बड़े अच्छे दोस्त ने भी कुछ ऐसा ही बोला है,
ये भी है कहानी। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं एक चीज मानूंगा कि वो आदमी जो सोचता है ना, वो आदमी जो करता है ना, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हम लोग नहीं सोच सकते थे 370 हट जाएगी, इट इज अ रियलिटी, उसने हटा दी। ठीक है, हम लोग बालाकोट स्ट्राइक नहीं सोच सकते थे। अब बालाकोट स्ट्राइक को डिस्प्यूट बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो अलग चीज है पाकिस्तान में, इंडिया में कोई क्लैरिटी, इंडिया में कोई उसमें डिस्प्यूट नहीं है, बहुत क्लैरिटी के सामने उसके प्रूफ हमारे सामने है, उसका वीडियो भी आया था। खैर, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जितनी भी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने कभी भी किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया है, पीसफुल वेज को सपोर्ट किया है। वो हमेशा बोलते रहे कि पीओके वापस आ जाएगा, लेकिन अपने आप आएगा, हम मिलिटरीली नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये समझिए। और ऊपर से यही प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मदर के लिए साड़ी लेके गए थे, तो कभी भी जैसे बोलते हैं कि नॉन पीसफुल वेज हमारी गवर्नमेंट या इंडिया या करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं यूज करते, अंटिल एंड लेस ही इज फोर्स्ड टू डू दैट। तो अगर हम आगे देखें तो आगे आने वाले टाइम में, जैसे कि शाहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब की जो लैंग्वेज है उससे तो लगता है थोड़े बेटर रिलेशन हो सकते हैं, बट प्रोवाइडेड टेररिज्म खत्म हो जाए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब मोदी जी दोबारा आएंगे और कब आते ही वो सबसे पहले कहेंगे कि तमाम नेबर्स के साथ टर्म्स अच्छे होंगे। ना वो चार तारीख को आपको पता लग जाएगा मोदी जी तो आ ही रहे हैं, हमने कब मोदी जी आएंगे, चार तारीख को आ रहे हैं, और ऑल फॉर जितने भी नेबर्स हैं सबको इनवाइट किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इनवाइट मिलेगा, इसलिए आप तो अपना टिकट टुकट बुक करा दी बंद कर दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं। मोदी जी ने कल फोन किया, उन्होंने कहा कि उस सेरेमनी में मुझे बुला रखा है उन्होंने, मुझे कहा था कि मुझे बेवकूफ बनाने का बड़ा शौक है आजकल, क्योंकि मुझे बालों में मुझे भी कॉल किया था उन्होंने, उसके बाद मुझे कहते कि आरजू को बेवकूफ बनाना इतना आसान है, फोन नहीं आता, ये दुनिया भर को बेवकूफ बनाती है, मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। मैं भी दिखाता हूँ आपको, वो मुझे भी बोल रहे थे कि ये सबका भेजा फ्राई करती है, मैंने आज इसका भेजा फ्राई कर दिया। आपके पास फोन आए अगली बार मोदी जी का तो मेरी तारीफ जरूर कर देना, बस वक्त मैंने बता दिया उनको, ये कांग्रेस वालों के साथ मिल गए हैं तो कहते मुझे पता है, वो सब लोग पता है। अरे मेरे पिछले पोस्ट पे कमेंट किया, मैंने कहा भाई एक असलियत नहीं सुन सकते आप लोग, एक अदद व्यू नहीं देख सकते, इतना मतलब बीजेपी अगर 2004 में हारी थी तो सिर्फ इसी वजह से हारी थी, ओवर कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो पक्का हारोगे, यही गलती हुई थी 2004 में, और शायद इस बार वो उस लेवल की गलती नहीं है, क्योंकि मोदी का ऑरा इतना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जहां खड़ा कर दो ले आते हैं सीट्स, और अच्छी ले आते हैं। तो 230 इज दैट पॉइंट कि जहां से नीचे बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते, बीजेपी प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा सकते एज ऑफ नाउ, आज की डेट में, कल की बात अलग है, आज की डेट में 230 से नीचे वो कभी नहीं जाएंगे। 230 भी आए, वर्स्ट पोजीशन भी आई, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि अलायंस एनडीए 272 क्रॉस कर जाएगा। नहीं, हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, और यकीनन जब रिजल्ट आएगा और जब 4 तारीख को हम फिर शो करेंगे हम लोग, और फिर हम देखते हैं कि सुमित सर सही बता रहे थे या हमें रोहित जी ने सही बताया है। फिलहाल तो हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान की तरफ से रोहित को नई टी शर्ट लेने की मुबारकबाद देते हैं कि फाइनली इन्होंने कोई और कलर भी पहना है, ब्लू भी पहना है। मेरी शादी में आई थी दहेज में। आरजू जी पुरानी शर्ट है, धोई पहली बार है तो साफ दिख रही। तो शादी कौन सी 200 साल पहले हुई थी? हाँ, तो शादी में आई थी, शादी के जहेज में आई थी। दहेज तो मना है भारत में, ये अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। क्या अरे आजकल उस दहेज को गिफ्ट बोलने लगे ना, उसमें यही आई थी, बस यही एक कमीज ही आई थी दहेज में, और कुछ नहीं था। अब मैंने दहेज मना कर दिया, स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया अपने। क्या कि दहेज में कोई एक शर्ट ही आई थी, एक शर्ट ही आई थी बस, और कुछ नहीं आया था। ब्याह हमने बोला था दुल्हनी दहेज है इसलिए। कितना डर गया ना ये। नहीं मैं डरा नहीं, सच बात यही है, मेरे हाथ में रिकॉर्ड है। साधारण इंडिया देखती हूँ ना, उसमें वो दिखाते हैं दहेज के ऊपर।
भाई कुट लगती है, तो जैसे इसने बोला ना दहेज में आई थी, पकड़ो उसमें जाके दहेज ले रही। ये शर्ट बहुत पुरानी है मेरी, और जो ये बोल रहे थे जैन साहब, मैं इसको इनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, आपकी बार आने दो इन्हें, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही मैं जो करवाऊंगा ना इनके साथ इन्हें याद रहेगा, ये दोबारा इनको मुझे मालूम है। आजकल आप राहुल गांधी और केजरीवाल के साथ रहते हैं, जो कुछ वो गुंडागर्दी करते हैं वही कराओगे, चिंता मत कीजिए। हम भी अभी शाह को फॉलो करते हैं, पार्सल घर पहुंच जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि घर पहुंचाते थे राहुल हमेशा? यहाँ अरे सर क्या बात कर रहे हैं, और आरजू जी मेरी वैसे भी बड़े क्लोज मित्र हैं, और ड्रोन के कहां कहां पहुंच जाते हैं आपको अभी अंदाजा भी नहीं है। अभी शो के फौरन बाद अपने टेरिस पे जाके देखिएगा, आपको एक पैकेट मिलेगा। चाइना पाकिस्तान नेक्सस, ये बात तो मैं बहुत पूरा है ये चीज। एनीवेज ये चीज अभी की सिचुएशन जो है वो ये है कि केजरीवाल जी आज तो जेल जाने वाले थे, लेकिन अगर आज वो जेल जाते हैं तो उसके बाद वो उसमें नहीं मिलेंगे, हमें काउंटिंग वाले दिन नहीं मिलेंगे। कांग्रेस ने एक काम किया है कि एग्जिट पोल की जितनी भी डिबेट्स होंगी उसमें कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा नहीं बैठेगा। दैट मींस कांग्रेस हैज कंसीडेड डिफीट, क्योंकि एग्जिट पोल जब आता है, जब सारी वोटिंग खत्म हो चुकी होती है, उसके बाद आप कुछ भी बोल दीजिए वोटिंग पे इम्पैक्ट नहीं होने वाला, तो वो क्यों नहीं बैठ रहे? इसका मतलब उन्होंने मान लिया ना कि वो हार रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये चीज एक बड़ी चीज है जो कि बताता है कि कांग्रेस ने अपनी डिफीट काउंटिंग से पहले कंसीड कर ली। वो तो दिख ही रही है, वो तो दिख ही रही है, उन्होंने अच्छा वा मान लिया, वरना वो तो यहाँ पाकिस्तान से बैठ के भी हमें नजर आ रहा है, लेकिन हम इस पे यकीनन हाँ सही बात है वो हमें चाइना में, आपको पाकिस्तान में, इनको भारत में बैठ के नहीं दिख रहा। मैं कब बोल रहा यार, आप एक्चुअल में चाइनीज हो, मतलब जो बात है उसको तोड़ मोड़ के बस पेश करना ना। मैंने तो एक सेंटेंस बोला ही है कि कांग्रेस ने अपनी डिफीट कंसीड कर ली है, तो उसके बाद मुझे कैसे नहीं दिख रहा है? मैंने आपका नाम लिया ही नहीं है, मेरे कई लोगों को नहीं दिख रहा है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो मैं आप अपने आप के अपने पर ले जाते हैं। आज मुझे लगता है कि यार मुझे आपको कोई याद, कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या ऑपोजिशन के लोड लीडर्स छोड़ के आपको कोई आदमी दिखा है जो ये बोल रहा है कि मोदी वापस नहीं आ रहे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, बड़े लिबराडू हैं। मैं इंडिया में बैठ के बता रहा हूँ, एक आदमी नहीं दिख रहा मुझे। कांग्रेस के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जीत तो जाएंगे, अगर मेजोरिटी नहीं आई तो एनडीए अलायंस जो है उसकी मेजोरिटी तो आई जाएगी, ये तो कांग्रेस के लोग ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि यकीनन मोदी जी जब वापस आएंगे तो आके पाकिस्तान के साथ फिर बात करने की जरूर कहेंगे, चाहे दो दिन बाद फिर नाराज हो जाए, लेकिन कहेंगे जरूर अपनी स्टेटमेंट में। नहीं, आने दो इनको वापस, ये मैं जैन साहब का इंतजार करूंगा, एयरपोर्ट पे ही इनको बता दिया जाएगा, कंबल पड़ेगा ऊपर से। मैं भी लैंड करने से पहले ही आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है आपके साथ, आप देखते रहिए। बिल्कुल ऐसा ही, और फोर्थ को हम लोग फिर मिलेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ओके। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे इन तीनों ने ना सिर्फ एक दूसरे की टांग खींची बल्कि जबरदस्त चर्चा की कि भारत का प्रधानमंत्री अब कौन बनेगा। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त रह गया जहाँ हमें पता चल जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और दूसरी ओर पाकिस्तान ने कश्मीर को भी फॉरेन टेरिटरी मान लिया, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।